हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल सारिआं नूं, की हाल चाल ने। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल पंजाबी इन हंगरी ते। अज आपां रोमानिया बारे अपडेटां देणियां ने भी एम्बैसी विच कदों दा रिजल्ट चल रहा, क्यों इन्ना टाइम लग रहा, की इमीग्रेशन की अपडेट आई है, भी किहड़े वर्करां की लोड़ है रोमानिया दे विच, किहदे विच अपलाई करना चाहिए जां नहीं। हुण इहदे बारे गल्लां बातां करांगे। तो पहलां सारे जणे अपना चैनल सबसक्राइब करो, तो लाइक शेयर ते कमेंट कर दिया करो भी किदां दी लगदी है वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो हाँ जी, रोमानिया का तुहानू पता ही है भी रोमानिया एक वधिया कंट्री आ यूरोप की। चलो शैनगन विच हजे नहीं हैगी, पर जल्द ही आ सकती है रोमानिया शैनगन दे विच। तो हुण जे इत्थे आपां गल करिए भी जिहड़े वीजे ने, वीजे लग रहे ने, वधिया लग रहे ने, पर जिहड़ा प्रोसैस आ उह काफ़ी हौली हो गया, अगे नालों भी हौली हो गया रोमानिया का। जिन्हां इह तां फाइलां आईयां होईयां ने भी, मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट आ गए, उन्हां दा तां चलो कम हुण चली जाणा वधिया ना, अपॉइंटमेंट मिल जाणगीआं ते वीजा लग जूगा। पर जिन्हां ने हजे अप्लाई करना, उन्हां नूं इधरों जिहड़े वर्क कॉन्ट्रैक्ट ने जां ऑफर लैटर ने, वह बहुत हौली आ रही ने। उहदे पिछे भी एक रीज़न आ, इत्थे दी इमीग्रेशन ने जिहड़ा दस्सिया वा भी एक तां इह शैनगन विच आउण करके है ना थोड़ा जिहा प्रोसैस हौली चल रहा, क्योंकि इमीग्रेशन ने जिहड़े रूल ने उह काफ़ी सख्त कीते होए ने है ना। तुसीं पिछे सुणिया भी होऊगा, उह बंगलादेशियां नूं जिहड़ा इत्थों डिपोर्ट भी कीता सीगा इन्हां ने, इन्हां ने दस्सिया सी भी बंगलादेश तो तकरीबन इह जे 15,000 लोकां नूं आए सीगे, 15,000 लोग काम करन लई, ते उहदे विचों सिर्फ 10% जिहड़े लोग ने इत्थे रुके सीगे है ना, ते बाकी कोई ना कोई जुगाड़ ला के, डोंकी ला के अगले देशां दे विच, जर्मन कोई कितें कोई कितें भज जांदा वा, ते इत्थे रुकदे बहुत घट ने रोमानिया दे विच, जिहदे करके रोमानिया दा नाम खराब हुंदा है ना। उहदे कारण करके ही जिहड़ा शैनगन दे विच आउणों रुकिया सी, आस्ट्रिया ने जिहड़ा दोष लाया सीगा है ना भी इतों की बहुत लोग है ना शैनगन दे विच एंटर होंदे ने, भी जिन्ना चर ये अपनी इमीग्रे जिहड़ा रूल ने वह सख्त नहीं करते, भी लोगों नूं ना इधरों नहीं रोकते, बार्डर से सख्ताई नहीं होंगी उन्ना चर शैनगन दे विच एंटर नहीं किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों दे विच भी है ना बहुत जोर लाया सी होर देशों ने भी, जर्मन हो गया आस्ट्रिया नूं मनाउण लई, पर आस्ट्रिया हजे नहीं मन्निया है ना भी शैनगन दे विच आउण तों। इस करके हुण जिहड़ा रोमानिया ने अपने इमीग्रेशन रूल ने वह सख्त किए ने, भी वह खास खास लोगों ही सद रहे हैं है ना, भी जिहड़े किसी काम च भी जां तां काम सिखिया होया वा, जिन्हां कोल हुनर हैगा वा, स्किल हैगा वा कोई ना कोई, उन्हां लोगों ही जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भेजे जा रहे हैं है ना। तो वीजा स्टैंपिंग का तो वह भी इन्ना टाइम लग रहा वा, हजे जनवरी फरवरी वालों नूं मैनूं लगदा आ रही ने मेलां भी अपने पासपोर्ट कलैक्ट कर लो, तो बाकियों का हजे काम रुकया होया वा, जानी प्रोसैसिंग जी हौली चल रही है भी हजे जनवरी या फरवरी वालों का ही पासपोर्ट एक्सैप्ट हो रहे हैं। वैसे वीजे वधिया लग रहे हैं, क्योंकि इधर वर्कर की तो रोमानिया वालों की काफ़ी जरूरत हैगी हुई है, जिहड़े वर्कर ज़्यादा इधर लोड आ वो है हो जाते, जिवें पेंटर हो गया जां लकड़ी का काम हो गया, इदां दे काम तो तुसीं जे सिखे होए आ फिर तां तुहानूं वीजा जरूर मिलेगा, जां कंट्रैक्शन के काम च हो गया है ना, हैल्पर हो गए कंट्रैक्शन के काम च, इदा के वर्कर की बहुत लोड़ आ इतने रोमानिया दे विच, क्योंकि इधर बिल्डिंगा बहुत नवीं तैयार हो रही ने। रोमानिया की जिहड़ी GDP आ होर देशों नालों वधिया, हंगरी नालों भी ज़्यादा वा GDP जिहड़ी इत्थे दी है ना, भी तरक्की कर रहा रोमानिया अगे नालों, भी बिल्डिंगा ता ही नवीं बन रही ने, काम वधिया चल रहे ने, फैक्ट्रियां विच भी तुसीं अप्लाई कर सकते हो है ना। बाकी जिहड़े जे तां तुहाडे कोल काम सिखे होए हो, कोई भी सिखे होए हो काम, तो फिर ही अप्लाई करो, जिवें वैल्डिंग दा हो गया, वैल्डिंग वालिआं दे बहुत वीजे लग रहे ने, अपने भी दोस्त अप्लाई किया जी, उहदा भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट आया हुण, पर जिहड़ा टाइम आ उह लग ही जांदा 6-7 महीने तां घट्टो घट्ट तुहाडे लगणगे है ना, घट्टो घट्ट कह रहे हां, नहीं तां 8-10 महीने तां पक्के लग जांदे ने। अगे चलो रोमानिया की है ना इंटरव्यू नहीं होंगी सी अंबैसी के, पर जी हूँ अंबैसी के इंटरव्यू आओ भी इन्होंने लेंदे इंटरव्यू प्रोपर लेंदे आ, क्योंकि इन्होंने भी हूँ किसी को वीजा देना वा, जिहड़ा बंद को हुनर होगा जिवें मैं पहला दस्या वा ना, उन्होंने ही वीजा इन्होंने हूँ देना वा, तो 2-3 महीने हजे प्रोसैस इदा ही हौली चलता रहूगा इतने का रोमानिया का, क्योंकि 2-3 महीनों तक इन्हों की फिर शैनगन की यूरोप यूनियन की मीटिंग होनी है, वो फैसला लिया जाऊगा है ना, जिदा तक आस्ट्रिया मन गया भी फिर तो है ना प्रोसैस आ जोड़ा तेज़ हो जूगा, अबला जो ना होया तो भी प्रोसैस वधिया हो जाना वा अगे नालों, पर हजे जोड़े इन्होंने इमीग्रेसन बार्डर से सख्ताई इमीग्रेसन रूल जोड़े सख्ती रखे भी उदू बाद नॉर्मल हो जूगा, हजे टूरिस्ट जोड़े आते हैं उन्होंने करके भी काफ़ी रश चल रहा अंबैसियों के, टूरिस्ट वीजा तो पर बहुत घट देना इन्होंने,
ਤੇ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 500-600 ਡਾਲਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 30-40-41 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਰਮਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਕਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਰੋਮ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਵੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ, ਰਮਾਨੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਡੇਟ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਡੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।